और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। योगी और अखिलेश के बीच तेज हुई है जुबानी जंग। अखिलेश ने कहा कि बाबा के घर से निकलता है धुआं, धुआं उठाने वाले 10 मार्च को हो जाएंगे धुआं। अखिलेश यादव ने कहा कि खास तौर पर अखिलेश के बयान पर योगी ने किया पलटवार, 10 मार्च को समाजवादी पार्टी हो जाएगी धुआं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आरोप और किस तरीके से वार पलटवार यहां पर हो रहे हैं। योगी और अखिलेश के बीच फिर से जुबानी जंग तेज हुई है। और देखिए, अखिलेश ने कहा कि बाबा के घर से निकलता है धुआं, यानी कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में धुएं की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद राम सिंह यादव, अखिलेश यादव। भारत माता की, भारत माता की। बाबा के बुलडोजर ने किया धुआं धुआं, 10 मार्च के बाद किसका निकलेगा धुआं? होली में इस बार गुलाल नहीं उड़ेगा धुआं। यूपी चुनाव के अभी 3 चरण ही पूरे हुए हैं, 4 चरण का रण बाकी है, लेकिन लगता है कि बबुआ को अभी से ही सब धुआं धुआं नजर आ रहा है। एक तरफ बाबा के बुलडोजर ने गर्दा उड़ा रखा है, तो दूसरी तरफ आतंकी के अब्बा से समाजवादी बबुआ के नाते ने ललका पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। अखिलेश ने कहा है कि उन्हें बाबा के घर में धुआं निकलता दिख रहा है। अखिलेश के जवाब में योगी ने कहा है कि 10 मार्च को भी बबुआ को सब धुआं धुआं ही नजर आएगा। ये लोग गर्मी निकालने वाले हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी, इनका धुआं निकाल देगी। 80-20 का ये चुनाव बन चुका है, 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो धुआं उड़ाते हैं वो धुआं हो जाएंगे, 10 मार्च के बाद बाबा ठंडे पड़ जाएंगे। इससे पहले वो योगी को चिरंजीवी और अयोग्य बता चुके हैं। जो लोग हमें कह रहे हैं टोटी टोटी, वही हैं चिलम वाले। गर्मी सर्दी के बीच आतंकियों से हमदर्दी के मुद्दे पर सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है। योगी ने दावा किया कि 80% सीटें बीजेपी जीत रही है, 20% में SP-BSP और कांग्रेस में बंटवारा है। 80-20 का पूरा तय हो चुका है, 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। योगी अपने बुलडोजर का दम दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर चलेगा, तो दूसरी तरफ बबुआ ने उनका नामकरण ही बुलडोजर बाबा कर दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो, इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया, उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। जाहिर है गर्मी सर्दी वाली सियासी जंग अब गर्दा और धुआं पर अटकी है। अगले 4 चरण में अभी और गदर मचेगा। अब देखना यह है कि यह सियासी लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है। होली में लाल गुलाल उड़ता है या फिर भगवा के संग बुलडोजर गर्दा उड़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।